कि अरे भाई आपके बिना हिलता डुलता नहीं है, तो उसको शोरूम में रख दो, शोकेस में रख दीजिए। लाइफ है, मूवमेंट नहीं है, तो शोकेस की जगह उसको मिलनी चाहिए। बच्चा कम उम्र में जितना आपको तंग करता है, अधिक उम्र में वो परगेशन है ना, परगेशन, कैथार्सिस एट वर्क। परगेशन होने दीजिए। इफ फीलिंग्स आर पर्ज्ड आउट यू आर ग्रेट। अभी हम लोगों की स्थिति क्या है, सच छिपाना जानते तो जग मुझे साधु समझता। वी बिलीव इन इट एंड वी आर डूइंग इट इंटरनली। कभी भी इंट्रोस्पेक्शन एक वर्ड है, उससे दोस्ती कीजिए। बच्चे को जब भी आपको मौका मिले, बच्चा जैसा भी हो, ही इज द रियल पर्सन टू टेस्ट योर एबिलिटी। नॉर्मली बच्चे, मैं एक दूसरी घटना बताना चाहूंगा, आप लोगों में से भी कुछ प्रिंसिपल और हेडमास्टर हो जाएंगे। तो एटॉमिक एनर्जी में मेरा ट्रांसफर अमूमन ऐसी ही जगह होता था। ऑफ कोर्स पूछा जाता था दैट ऑनर आई वाज कमांडिंग, सॉरी दैट रेस्पेक्ट आई हैड अर्न। तो बच्चे तरह तरह की गलतियां, टीचर अनसेफ, लेडी टीचर्स अनसेफ। तो मेरी पोस्टिंग वहां हुई, मैंने फोन पर ही कह दिया सर मैं चला जाऊंगा। तो अरे गुप्ता कोई नहीं प्रिंसिपल रेडी है, तुम बॉम्बे आओ तब भेजेंगे तुमको। हम कहे नहीं सर आप भेज दीजिए ना। तो नहीं कहा, तो मुझे ऑफिशियली बुला लिया गया, मैं गया। तो उन्होंने कहा आपको वहां जाना है। हमने तो फोन पर ही कह दिया था सर कि भेज दीजिए। तो नहीं भाई पूरी बात सुन लो, वहां की बातों को सुन लो। तो बताया, नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन का स्कूल था, बताया। तो हम 3 दिन तक वर्चुअली, आई डोंट स्पीक इवन, 4th डे से हम काम करते हैं। तो इस 3 दिन में पहले टीचर्स को बुला के कहते हैं मुझे सर आपका आशीर्वाद चाहिए, नोइंग इट वेल दैट दे आर हाईली एक्सप्लोसिव। दूसरी मीटिंग स्टाफ का करता हूं कि कोई भी पेरेंट अगर मिलने आवे तो सब काम छोड़ करके मुझे मिलाइए, कोई उनको रोकेंगे नहीं। मैं तो वो जहां जाता था पर्दा हटवा देता था, मैं पर्दा नशी नहीं हूं, और नंबर 2 मैं उतना सुंदर भी नहीं हूं कि पर्दा चाहिए। तो और तीसरा बच्चों के पास, बच्चों को क्या पूछता हूं सर वो देखिए कुछ काम आ जाए आपके। बच्चों को पूछता हूं यहाँ किस हायर सेक्शन में स्ट्रेंथ क्या है, कोई नहीं बता पाते। टीचर की ओर मुखातिब होता हूँ, नहीं बता पाते, मैं बताता हूँ क्योंकि मुझे तो रख के ही बात करनी होगी। हमने कहा इट इज 646। फिर हमने पूछा कि यहाँ गड़बड़ बच्चे कितने हैं, तो कोई नहीं बताया। हमने कहा 26 बच्चे हैं। तब उन्हीं लोगों से पूछा, क्योंकि जिस दिन टेक ओवर किया था उस दिन चेयरमैन ने कहा था इस 26 बच्चों को निकाल दीजिए। हमने जवाब एक ही दिया था, लेट मी स्टडी। किसी को नहीं निकाला सर, सब बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में। तो पूछा 26 बड़ी संख्या है या 620 बड़ी संख्या है? सब चिल्लाए 620 बड़ी संख्या है। हमने कहा नहीं, यू आर रॉन्ग। इन्हीं 26 के कहने पर वो हु करते हैं तो आप कहते हो हु, हाँ। जिधर जाते हैं उधर चल पड़े, जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर गर गई, जिधर भी एक दृष्टि गर गए कोटि दृग उसी ओर। महात्मा गांधी के लिए था, लेकिन किसी भी स्कूल में आप देख लीजिए एक बच्चा काफी है।
99 बच्चे आपके अच्छे हैं तो एक बच्चा काफी है। अगर आप सक्सेसफुल हुए उस एक बच्चे को ठीक करने में तो आपका 99 तो ऑल ऑटोमेटिकली ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि सर हम जिस पेशे में हैं उस पेशे के लिए हमको पढ़ना होगा। जो पढ़ते नहीं उनके लिए एक वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है, वन हु डजंट रीड इज नो बेटर देन ए पर्सन हु कैनॉट रीड। तो टीचर का पहला काम है पढ़ना। अब पढ़ना क्या चीज है, तो दो चीज, बुक्स को पढ़िए, ऐसा पढ़िए, ऐसा पचाइए कि उसको वही दीजिए जिसको वो एक्सपेंड करके आपसे भी अच्छा हो जाए। गुरु गुर रह गए, अचेला चीनी हो गया, ऐसे ही कहा गया है। आपसे अच्छा अगर करता है तो आपकी वक़्त बढ़ती है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में हम, सर इफ यू डोंट माइंड इफ देयर इज एनी टाइम कॉन्स्टेंट हैव टू, सर नहीं आपका और शेड्यूल होगा ना, तो टाइम बता दीजिए तो आई विल। अच्छा नहीं, मुझे ये सौभाग्य मिला है, मैं एक्सपीरियंस ही तो शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा एक्सपोजर इज एजुकेशन। देख लीजिए 8 वर्ष का बच्चा सब्जी बेचता है और आप एम ए PhD होकर रोज ठगा कर आते हैं उससे, क्यों? उसका एक्सपोजर वही है, उसका एक्सपीरियंस वही है, उसका एक्सरसाइज वही है। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा, 2-3 वर्ड और इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि लाइफ और वाइफ। तो लाइफ का देखिए, लाइफ खुद कहता है मैं क्या, तो लिविंग इन फैमिली एनवायरमेंट इज लाइफ। What is life? Living in, और आज दौर है नया जमाना, लोग कहते हैं नए जमाने का दौर है ना, तो वाइफ का देखिए आजकल लोग क्या कहते हैं, with idiot for ever। अरे भैया इसको अगर एनालाइज कीजिए, इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे बाप दादा भी यही कहते थे। क्या कहते थे कि बेटी डोली में जाइए अर्थी में आइएगा। बोलिए मीनिंग एक है कि नहीं? हालांकि नए जो बातें तो नहीं हो रही हैं ना। कभी भी गड़बड़ी कहीं अगर है तो एक वर्ड क्षमा चाहूंगा, मुझे गलत नहीं समझेंगे, स्ट्रिक्टनेस एट इट्स हाइट बाउंड टू डिरेल। स्ट्रिक्टनेस क्या है? यू टच द इमोशन, यू एड्रेस द चाइल्ड एज सर यू आर ग्रेट। मैं अपना बचपन सुनाता हूँ। मैं प्रिंसिपल का बेटा था उन दिनों, सॉरी